कुछ वीडियो मेरी वायरल हो गई थी, जैसे कि सारस के ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा था, तो हमने सारस की कुछ वीडियो दूसरे की उठा के डाल दी थी। वो वीडियो 10 मिलियन से ज़्यादा चला गया था, जिसकी वजह से उस पर दूसरे की वीडियो डालने की वजह से रियूज आ गया था। रियूज आने के बाद में मेरा चैनल डिमोनिटाइज कर दिया जाता है। सो गाइस, इसके चैनल का नाम है सुनीता जर्नी ब्लॉग। इसके चैनल पर अभी 44.7 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से इसका चैनल डिमोनिटाइज हो जाता है। और वो मिस्टेक ये है कि ये सिर्फ दूसरे का वीडियो अपलोड कर देता है अपने चैनल पर। जैसे कि होता क्या है कि एक ट्रेंड में चल रहा होता सारा वाले वीडियो, आप लोग पता ही होगा, जो सारस वाला जो बंदा था, सारस को पाल के रखा था, वो वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था, तो उस वीडियो को डाउनलोड करता है दूसरे चैनल पर से और अपने चैनल पर अपलोड कर देती है। उसके बाद क्या, इसके चैनल पर वो वीडियो वायरल हो जाता है और इतना ज्यादा वायरल हो जाता है कि उस पर 10 मिलियन से प्लस व्यूज आ जाते हैं और उस वीडियो से इसको बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, जो कि अभी देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अभी फिलहाल इसके चैनल पर जाओगे तो मात्र 200 या 300 ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसका चैनल पूरी तरह से डेड हो चुका है, मतलब कि इसके चैनल पर जितने सब्सक्राइबर है उसके हिसाब से भी इसके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। एक तरह से बोल सकते हो कि ये चैनल डेड हो चुका है। अब ऐसा भी नहीं कि चैनल पर काम करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके चैनल पर गलत वीडियो वायरल हो जाता है, इसके वजह से इसका चैनल अभी डेड है। लेकिन इसी तरह से अगर और मेहनत करती रहेगी आगे टाइम तक, तो इसका चैनल आगे भी बढ़ सकता है। अगर आप लोग भी सपोर्ट करिएगा इसको, तो इसका चैनल और आगे भी बढ़ सकता है। सो गाइस, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूब पर आना चाहते हो, अगर आप यूट्यूबर नहीं हो और यूट्यूब पर आना चाहते हो, एक नया चैनल बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ क्या करना चाहिए अगर आप शुरू में यूट्यूब पर आते हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि यूट्यूब पर आ जाते हैं, वो दूसरे का वीडियो अपलोड करने लगते हैं और वो उसका जो वॉच टाइम होता है क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। अगर आप दूसरे का वीडियो भी डालोगे अपने चैनल पर, तो उससे वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया वो पूरा हो जाता है, वहाँ पर शो होता है और सब्सक्राइबर मिलेंगे वो भी काउंट होता है। लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वो डीमोनेटाइज हो जाएगा, मतलब वो चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। लेकिन इसके चैनल पहले से मोनेटाइज रहता है और ये क्या करते हैं कि ये वीडियो अपलोड कर देती है, जो ट्रेंड में चल रहा होता है वो दूसरे चैनल से डाउनलोड करती है और अपलोड कर देती है, और वो वीडियो वायरल हो जाता है और इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि इसके जो सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ने लगता है और इसके जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल होने की वजह से 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। लेकिन जब इसका चैनल मोनेटाइज होता है तो वो डीमोनेटाइज हो जाता है और इसका चैनल डीमोनेटाइज होता है रीयूज कंटेंट के तहत से, मतलब कि आपने कंटेंट को रीयूज किया, मतलब फिर से यूज किया, इसके वजह से चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। सो गाइस, आप लोग भी ये मिस्टेक कभी नहीं करना। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर मोनेटाइज नहीं है, तो दूसरे का वीडियो कभी भी अपलोड नहीं करना अपने चैनल पर। ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आप लोग पूरा रीयूज कंटेंट क्या होता है, कैसे आता है, वो वीडियो देखना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन दे दूंगा, देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और इस लड़के का पूरा वीडियो देखना चाहते हो जो मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। तो मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसके चैनल पर जाइए, इसको सपोर्ट कीजिए, इसको वीडियो देखिए। और सुनीता जी, आप अगर इस वीडियो को देख रही हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि नुमाइंस वाला जितना भी वीडियो है उन सब वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एक रूल है, जैसे कि लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, आप उसको रिकॉर्ड करते हो, तो आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, और उन लोग भी यूट्यूब पर वीडियो कहीं ना कहीं डाले होंगे, तो उसके वजह से भी रीयूज कंटेंट आ सकते हैं। जैसे कि आप उस लाइव परफॉर्मेंस को अकेले ही रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉर्ड कर रहे थे, और उनमें से कुछ लोग होंगे जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करी होगी, जिसकी वजह से आपको रीयूज कंटेंट आई है, मतलब कि आप जो भी लाइव परफॉर्मेंस वाले वीडियो रिकॉर्ड किया है उन सब वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। और हाँ, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि आप एक बार में सारे वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, इससे आपका चैनल है और ज़्यादा डेड हो जाएगा। होता यह है कि अगर आप एक साथ में बहुत सारे वीडियो डिलीट करोगे तो आपका जो चैनल का रीच है वो डाउन हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसे डिलीट करना है ये जान लीजिए कि आपको वीडियो इस तरीके से डिलीट करना है, जैसे आप एक नई वीडियो डाल रहे हो तो आपको वो एक पुराने वीडियो डिलीट करना है, इसी तरीके से आपको करते रहना है, मतलब आप एक नया वीडियो डाल रहे हो तो आप पीछे से एक पुराने वीडियो को डिलीट करते जाइए, इस तरीके से करना है आपको। और हाँ, आप पूरे वीडियो को एक बार में डिलीट नहीं करना, ये मिस्टेक कभी भी नहीं कीजिएगा। और हाँ, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम। Just feeling alive.